Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. बंधुरा केमन আছেন? আমি ভালো আছি, আশা করি সবাই ভালো আছে। আমার নাম সুমন है और आप देख रहे हैं माय रिएक्शन। सो गाइस आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस जो कि काफी हद तक स्पॉइल हो चुके हैं, ठीक है। और इंडिया का इस बारे में क्या कहना है, जो रिलेशंस खराब हुए हैं वो इसका दोष किसको देते हैं? बांग्लादेश को देते हैं। वो कहते हैं कि बांग्लादेश ने बेसिकली इनको धोखा दिया है, इंडिया को धोखा दिया है और हमने हमेशा इनकी मदद की है एंड ब्ला ब्ला। और क्या कहते हैं, बांग्लादेश की जो आज तरक्की इतनी हुई है उसकी वजह भी हम है, ठीक है। अगर हम ना होते बांग्लादेश के साथ तो बांग्लादेश इतनी तरक्की कर ही ना सकता कभी, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के इशू पे भी काफी मामले पे भी काफी इशू बना हुआ है क्योंकि बांग्लादेश इंडिया से वैक्सीनेशन का या जो है ना नहीं मांग रहा, बल्कि अदर कंट्रीज से काफी सारी वैक्सीनेशन जो है ऑलरेडी मिल चुकी है और काफी सारी वैक्सीनेशन है जो कि ऑर्डर की हुई है। तो इसकी वजह से जो है इंडिया को काफी पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और इंडिया को लगा हुआ है कि बांग्लादेश हमारे से वैक्सीनेशन क्यों नहीं ले रहा। सो इसकी बुनियादी वजह यही है कि इंडिया ने जिस तरह बांग्लादेश के साथ बिहेव किया तो उसके बाद जो बांग्लादेश का नाराज होना तो बनता है और अकलमंद के लिए कहते हैं इशारा ही काफी होना चाहिए। तो एक बंदा जिसने वाकई में आपके साथ बुरा किया हो ना, तो वो कुछ लोग होते हैं वो तो अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि हाँ हमने किया ऐसा, लेकिन इंडिया उन लोगों में से जो कहेगा हाँ नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे थे, ठीक है, ये बंदा जो है ना अगला वाला बंदा यही नहीं अच्छा। सो लेट्स सी, अभी हम ये वीडियो देखते हैं इंडियन मीडिया की, ठीक है। इंडियन मीडिया की वीडियो क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ देखूंगी। सो इससे पहले कि हम वीडियो देखें, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को क्लिक करके, और पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स गो। काफी समय से आप देखते आ रहे होंगे कि भारत के द्वारा बड़े पैमाने पर मदद की जा रही थी कई सारे देशों को वैक्सीन के मामले में, लेकिन जिस प्रकार से देश के अंदर यहाँ पर समस्या बढ़ी है, केसेस बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए भारत ने यहाँ पर बैन लगा दिया है एक्सपोर्ट पर। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि बांग्लादेश हो गया, बेसिकली चाइना ने उनको ऑफर किया कि जो इंडिया ने अभी बैन किया है इसको लेकर हम जो गैप है वो फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर बांग्लादेश ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पूरा मामला है क्या? प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत ने बांग्लादेश को ऑफर भी दिया था कि वो अगर चाहते हैं कि वैक्सीन जो कोविशील्ड है बांग्लादेश के अंदर बने तो हम उसमें मदद करेंगे। तो इसको लेकर बांग्लादेश का अभी तक क्या रुख रहा है उसको भी मैं बताने की कोशिश करूं। बेसिकली भारत की तरफ से, न्यू दिल्ली की तरफ से जो शिपमेंट था, जो हमने बोला था उनको, बेसिकली आपने देखा होगा कि सबसे पहले सरकार ने जो गिफ्ट के तौर पर जो वैक्सीन है वो देना स्टार्ट किया, इसको देखते हुए बहुत सारा ऑर्डर भारत के पास आ गया था। लेकिन जिस प्रकार से वेव भारत के अंदर देखने को मिल रहा है, यहां पर वैक्सीन के ऊपर, शिपमेंट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो जो नेबरहुड है हमारा स्पेशली बांग्लादेश, वो अब यहां पर चाइना की तरफ रुख कर रहा है और चाइना इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, उनके द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग हेल्ड किया गया था अभी रिसेंटली के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, क्योंकि यहां पर चाइना को लगा कि डेफिनेट सी बात है कि अगर भारत यहां पर अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाएगा तो हम यहां पर गैप को फुलफिल कर देंगे। और ये आप देख पाओगे बांग्लादेश टू ज्वाइन चाइना लेड इनिशिएटिव ऑन कोविड-19 कोऑपरेशन अमंग साउथ एशियन नेशन। तो यहां पर कई सारे जो साउथ एशियन नेशन है अब बांग्लादेश के साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि उनको भी वैक्सीन मिल जाए। यहां पर जो बीजिंग है वो कह रहा है कि हम आपको स्टेबल वैक्सीन सप्लाईज करें। तो बांग्लादेश भी भारत के ऊपर फुल्ली डिपेंड हो गया था, वो और किसी देश को नहीं बोला था। तो यहां पर इसी को देखते हुए जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कंप्लेन किया भारत के बारे में और ये कहा कि जो प्लेज किया गया था हमें, अब यहां पर हमें उसमें दिक्कत देखने को मिल रही है। बाकी के अगर आप देश देखोगे तो उसमें पाकिस्तान तो ऑलरेडी आपको पता है चाइना से ही वैक्सीन मंगवा रहा था, लेकिन यहां पर अब देखिए क्या बोला गया उनके फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कि जब भी हम भारत को अप्रोच कर रहे थे कि हमने जो ऑर्डर दिया है वैक्सीन का वो कब हमारे पास आएगा, तो भारत हमें कह रहा था कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब कि आप वेट करिए एक तरह से जल्द हम कोशिश करेंगे पहुंचाने की। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर बांग्लादेश ने चाइना की ही वैक्सीन ले रहा है, वो रशिया के साथ भी एक एग्रीमेंट कर रहा है। रशिया के साथ यहां पर इमरजेंसी यूज का अप्रूवल दे दिया गया है उनके बांग्लादेश के ड्रग रेगुलेटर के द्वारा, दैट इज स्पुटनिक वी जो वैक्सीन है वो अगले मंथ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में आना स्टार्ट हो जाएगी। और बांग्लादेश कह रहा है कि अब हम एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, यहां पर चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया,
कई जगह से वैक्सीन लेने की कोशिश करेंगे। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई जो हमने समझा, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत ने एक बहुत अच्छा ऑफर दिया था बांग्लादेश को। क्या ऑफर दिया था कि हम चाहते हैं कि जो भारत का इंडिजीनियस वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये हमारे देश के द्वारा ही हमारे देश के अंदर जो भारत बायोटेक है, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर और आईसीएमआर के द्वारा, इन सब के द्वारा मिलकर ये कोवैक्सीन बनाया गया है। तो यहां पर क्या है कि हम चाह रहे थे कि बांग्लादेश में भी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए ताकि इसके प्रोडक्शन में कोई कमी ना आए मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि बांग्लादेश प्रिफर कर रहा था कि जो कोविशील्ड है वो हम सीरम इंस्टीट्यूट से मंगाए। अब देखो, कोविशील्ड हम नहीं बनाने की इजाजत दे सकते क्योंकि कोविशील्ड का एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो तो आपका ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा मिलकर बना है। ভিডিওর শেষ অংশে আমরা দেখছিলাম ভারতীয় মিডিয়া দাবি করছে ভারত বাংলাদেশকে তাদের তৈরি কোভ্যাক্সিন বাংলাদেশে উৎপাদন করার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু বাংলাদেশ তাতে সাড়া দেয়নি। বাংলাদেশ তাদের কাছে অক্সফোর্ড এবং এস্ট্রাজেনেকার কোভিশিল্ড চেয়েছিল, যেটা ভারত দেয়নি। কারণ হিসাবে তারা বলেছে তারা নিজেরাই সেটা অন্য দেশ থেকে এনেছে, এজন্য দিতে পারবে না। অন্যদিকে তখনও ভারতীয় ভ্যাকসিন কোভ্যাক্সিনকে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুমোদন দেয়নি। তখন যদি আমরা ভারতের প্রস্তাব গ্রহণ করে তাদের কোভ্যাক্সিনের উৎপাদন শুরু করতাম আর পরে দেখা গেল সেটা কোনো কাজের না, তখন বাংলাদেশ অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতো। যেখানে ভারতীয় সরকারই এটাতে ভরসা করে না, সেখানে আমরা কি করব? আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। অনুরোধ করছি ভিডিওটি অনেক বেশি করে শেয়ার করার জন্য, সেই সাথে যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। So guys, ये थी वीडियो और आप लोगों ने देखा कि इंडिया जो भी इस बारे में कह रहा है वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन से रिलेटेड जो भी बातें हो रही है, लेकिन उन सबसे पता ये लगता है कि जो बांग्लादेश है अब बिल्कुल भी इंडिया को इंडिया पे भरोसा नहीं करता। मतलब जैसे कोवैक्सीन जो कि इंडिया की है तो उसका फार्मूला जो कोविशील्ड है उसका फार्मूला इनका नहीं है। बेसिकली जो रॉ मटेरियल है वो भी इनको यूएसए से मंगवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कोवैक्सीन जो है जो इन्होंने अपनी बनाई है, ठीक है, तो ये इनका कहना ये है कि हम बांग्लादेश में भी हेल्प कर देते हैं कि वहां पे भी कोवैक्सीन की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाए ताकि कोई भी इशू ना आए वैक्सीन का। लेकिन बांग्लादेश ने बिल्कुल भी इंडिया को ट्रस्ट नहीं किया और बिल्कुल भी इनकी बातों में नहीं आए, ठीक है, लाइक जैसे पहले होता था, ठीक है। अब बिल्कुल सिचुएशन उल्ट गई है और बांग्लादेश ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता इंडिया को, और इसलिए उन्होंने इस बात को अहमियत नहीं दी कि उसकी प्रोडक्शन बांग्लादेश में की जाए, बल्कि इसकी बजाय काफी सारी जो वैक्सीन है वो चाइना से ऑर्डर की जा रही है और काफी सारी लोगों को लगा भी दी गई है, और इसके बाद एशिया से और अदर कंट्री से भी काफी सारी वैक्सीन जो है आ रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड और आगे इंडिया की क्या क्या कहते हैं बयानात सामने आते हैं बांग्लादेश को लेके। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि आप बांग्लादेश बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता इंडिया को, क्योंकि एक बार बंदे का पता चल जाए ना कि ये आपको धोखा दे रहा है, और स्पेशली वो बंदा जो जिसको सिर्फ अपना हो ना, मतलब सेल्फिश जो दोस्त होता है ना आपका, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो आई थिंक इंडिया का भी वही हिसाब है कि इंडिया जो है अपनी सेल्फिशनेस में बांग्लादेश की मदद करता है क्योंकि वो चाहता है कि बांग्लादेश हमारे साथ अटैच रहे और बांग्लादेश को बेसिकली वो यूज करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हालात चेंज हो चुके हैं और अब वो पुरानी बातें खत्म हो गई जब मोदी जी हसीना के गीत गाया करते थे, और अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो आई एम श्योर यू गाइज लव द वीडियो, और आप लोगों का इसके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप लोगों ने लाजमी कॉमेंट सेक्शन में बतानी है, और मेरे वीडियो को थम्स अप देनी है, शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी, ताकि उनको भी पता चले इंडियन मीडिया के क्या ख्यालात हैं और बांग्लादेश का क्या कहना है इंडिया के बारे में। ओके, सो लाजमी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो करना तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।